الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 21 फरवरी है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौजूआत हैं। किसान शुंभ बॉर्डर पर सीमेंट की दीवार तोड़ने के लिए पोकलेन मशीन लेकर शुंभ बॉर्डर पहुंच गए हैं। इस मशीन को लाने का मकसद यह है कि सरहद पर इंतजामिया की तरफ से लगाई गई स्टील की बार को हटाया जा सके। आज की दूरबीन में जानिए और देखिए किसान तहरीक की ताज़ा सूरत हाल। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर मुंतखब हो गए हैं। चंडीगढ़ मेयर इंतखाब में बेजाबतगियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नतीजे को मुस्तरद करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को फातेह करार दिया है। जामतारा में स्कूल के बच्चे साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड बन रहे हैं। एक ताज़ा वाकये में दो तालिबे इल्मों ने 50 लाख का फ्रॉड किया है। साइबर पुलिस के मुताबिक 3 साल के दरमियान स्कूल की कम से कम 100 तालिबे इल्म साइबर क्राइम के मामलात में पकड़े गए हैं। तफसीलात में जानिए दिलचस्प हकायक। गुजरात में बदअनवानी के खिलाफ कांग्रेस ने असेंबली में आवाज़ उठाई है। हंगामे के सबब 10 कांग्रेस अराकीन असेंबली एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिए गए हैं। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की फहरिस्त में इंडिया को एक मकाम का नुकसान हुआ है, जबकि फ्रांस सर फहरिस्त है। इंडिया 2023 में मजबूत पासपोर्ट की रैंकिंग में 84वीं मकाम पर था, लेकिन ताज़ा रैंकिंग में उसको 50वां मकाम हासिल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता रोज़ अपने एक रोज़ा दौरे के लिए जम्मू कश्मीर पहुँचे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म हवाई अड्डे से सीधे मौलाना आज़ाद स्टेडियम पहुँचे, जहाँ उन्होंने 32,000 करोड़ की तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उनके इख्तदार में पसमानदा लोगों, दलितों, कबायलियों और आम जुमरे के गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, तफसीलात में जरूर देखिए। जर्मन मईशत में कसाद बाजारी का खदशा है, मरकजी बैंक ने तंबीह की है। जर्मनी के मरकजी बैंक ने सन 2024 के आगाज में मुसलसल दूसरी सेमाही में मनफी इकतसादी नमू के मुतालिक खबरदार किया है। पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद जारी सियासी तातुर के दौरान चीन ने अपने करीबी इतिहादी पर सियासी वहदत और समाजी इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर जोर दिया है। बीजिंग का कहना है कि चीन पाकिस्तानी आवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है। टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने इंग्लिश बल्लेबाज मुकम्मल पस्त हो गए। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत हुई है। टीम इंडिया ने इंग्लिश टीम को राजकोट टेस्ट में करारी शिकस्त दी है, जिसके बाद टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्रो नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। एक बार फिर किसान रहनुमाओं और हुकूमत के दरमियान MSP समेत कई मुतालबात पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। इसके बाद किसान तंजीमों ने 21 फरवरी से दिल्ली चलो मार्च करने का ऐलान कर दिया है। किसान इस हवाले से तैयारियां कर रहे हैं। न्यूज़ पोर्टल आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक किसान शंभू बॉर्डर पर पोकलेन मशीन लेकर पहुँच गए हैं। किसान रहनुमा नवदीप जलबेरा पोकलेन मशीन लेकर शंभू बॉर्डर पर पहुँच गए हैं। पोकलेन मशीन की मदद से किसान सरहद पर इंतजामिया की तरफ से लगाई गई स्टील की बार को हटा सकते हैं। किसानों का कहना है कि हुकूमत की नीयत सही नहीं है, हुकूमत उनके मुतालबात पसंदीदा नहीं है। वो चाहते हैं कि हुकूमत MSP यानी 23 फसलों के कम से कम इमदादी कीमत का
फार्मूला तय करे। हुकूमत की तजवीज़ से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। किसान लीडर पंदेर का कहना है कि हम 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च करेंगे, फिलहाल हुकूमत से मजीद कोई मुलाकात नहीं होगी, लेकिन हम मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं। किसान लीडर ने कहा है कि हम हुकूमत से अपील करते हैं कि या तो हमारे मुतालबात तस्लीम करें या हमें दिल्ली में पुरअमन तरीके से धरने की इजाज़त दें। हम तमाम किसान भाइयों से अपील करते हैं कि वो तशद्दुद में मुलव्वस ना हो। ख्याल है कि इतवार को किसान रहनुमाओं और मरकजी हुकूमत के उज़रा के दरमियान चौथे दौर के मुज़ाकरात हुए थे। मुलाकात में वज़ीर ज़राअत अर्जुन मुंडा, वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने शिरकत की। किसानों का सबसे बड़ा मुतालबा MSP पर कानूनी जमानत का है। किसानों का कहना है कि हुकूमत को MSP पर कानून लाना चाहिए। किसान MSP पर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात को लागू करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। किसान तंजीमों का दावा है कि हुकूमत ने उनसे MSP की जमानत पर कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। उसके अलावा किसान पेंशन, कर्ज की माफी, बिजली की नरखों में इजाफा न करने और लखीमपुर खेरी तशद्दुद का शिकार होने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को वापस लेने का भी मुतालबा कर रहे हैं। चंडीगढ़ के मेयर इंतखाबात में बेज़ाबतगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने नतीज को मुस्तद करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को फातेह करार दिया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग अफसर की जानिब से कदम करार दिए गए तमाम 8 वोटों को दुरुस्त करार देने की हिदायत दी। रिटर्निंग अफसर ने इन तमाम वोटों की ब्लेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान लगा दिया था। CGI ने केस की समाअत करते हुए कहा, तमाम 8 वोट दरख्वास्त गुजार उम्मीदवार कुलदीप कुमार के हक में थे। सवाल पूछने से पहले हमने अनिल मसीह को संगीन नतीज का सामना करने की वार्निंग भी दी थी। रिटर्निंग अफसर ने 8 ब्लेट पेपर्स पर अपना निशान लगाया। अफसर ने अपने दायरे इख्तियार से बाहर काम किया। रिटर्निंग अफसर ने जुर्म किया है, इसके लिए उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए। दरअसल पीर को रिटर्निंग अफसर ने CGI बेन के सामने एतराफ़ किया था कि ब्लेट पेपर पर क्रॉस उन्होंने ही डाला था। अदालत ने रिटर्निंग अफसर से पूछगछ के बाद इलेक्शन से मुतालिक तमाम असल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेजात तलब किए, जो कमरे अदालत में पहुंच गए। रिटर्निंग अफसर की वीडियो और ब्लेट पेपर भी कमरे अदालत में जमा कराए गए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की समाअत की। आम आदमी पार्टी के काउंसलर कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में प्रिजाइडिंग अफसर यानी रिटर्निंग अफसर के 8 वोटों को गलत करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुलदीप कुमार ने कहा कि अदालत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सच कुछ वक्त के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन उसे रौंदा या दबाया नहीं जा सकता। सच की हमेशा जीत होती है। रुके हुए तरक्याती कामों को सबसे पहले चंडीगढ़ में मुकम्मल करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत के कत्ल की इजाजत नहीं दी। आने वाले वक्त में हमारे रुकने से मिली भी चंडीगढ़ में जीत कर वापस आएंगे। अदालत में दिखाई जाने वाली वीडियो क्लिप इस वक्त की थी जब वोटों को नाहल करार दिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को भी इलेक्शन में पेश होने की हिदायत की थी, जिसके बाद रिटर्निंग अफसर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। CGI ने पूछा कि रिटर्निंग अफसर कौन है और उसकी तकर्री कैसे की जाती है। उन्होंने रिटर्निंग अफसर से सवाल किया कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। इस मामले की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। Yeah.
रांची के जामतारा के 8वीं और 10वीं जमात के 2 तालिबे इल्मों ने लोगों से कम अज कम 50 लाख रुपए का धोखा दिया। धनबाद जिला के साइबर पुलिस ने दोनों को टंडी ब्लॉक से गिरफ्तार किया है। ये दोनों मिलकर 3-4 सालों से मोबाइल कॉल्स और दीगर ऑनलाइन हथखंडों के जरिए फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 6 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। पुलिस की तफ्तीश में उन दोनों ने बताया कि उन्होंने बिजली की मीटर अपडेट करने और PM रिलीफ फंड के नाम पर कई लोगों को अकाउंट से पैसे उड़ाए हैं। वो लोगों को कॉल करके खुद को महकमा बिजली का अफसर जाहिर करते थे और बिजली के मीटर को अपग्रेड करने के नाम पर उन्हें मोबाइल एप्लीकेशंस और फ्रॉड के लिए बनाए गए दीगर वेबसाइट का लिंक भेजकर बैंक अकाउंट से रकम निकाल लेते थे। उसके अलावा उन्होंने PM रिलीफ फंड के नाम पर भी कई लोगों को धोखा दिया है। दरअसल जामतारा से चलने वाले साइबर क्राइम नेटवर्क में स्कूल के तालिबे इल्मों के मुलविस होने का यह पहला मामला नहीं है। साइबर पुलिस के मुताबिक 3 सालों में स्कूलों के कम अज कम 100 तलबा साइबर क्राइम के केसेस में पकड़े गए हैं। ऐसे तलबा की उम्र 13, 14 से 16, 18 साल तक है। गुज़श्ता साल साइबर क्राइम के मुख्तलिफ मामलात में गिरफ्तार किए गए कई तलबा ने स्कूल में हाजिरी दिखाकर जमानत हासिल करने की कोशिश की थी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जामतारा के करमा टांड के एक सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तकरीबन 325 तालिबे इल्म साइबर क्राइम में मुलव्वस हो सकते हैं। उसके बाद स्कूल में तलबा की 3 बार हाजिरी शुरू हो गई। स्कूल में दुआ के बाद, वक्फे के बाद और फिर छुट्टी से कबल तलबा की हाजिरी ली जाती है ताकि स्कूल के दौरानिया में तलबा साइबर क्राइम ना कर सके। गुजरात असेंबली में गुज़श्ता रोज जबरदस्त हंगामा का माहौल दिखाई दिया और बरसर इख्तदार तबका व हिज़्ब मुखालिफ तबका के अराकीन असेंबली की नोक झोंक भी हुई। इस दरमियान कांग्रेस के 10 अराकीन असेंबली को एक दिन के लिए ऐवान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल गुजरात असेंबली में सरमाई इजलास जारी है और हुकूमत को कई तरह के सवाल का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब गुजरात असेंबली में इजलास चल रहा था तो कांग्रेस अराकीन असेंबली ने गुज़श्ता रोज साल छोटा उदयपुर जिला में सामने आए एक फर्जी सरकारी दफ्तर और आपपाशी प्रोजेक्ट के लिए रकम की हेराफेरी का मामला उठाया। हुकूमत के जरिए इस मामले में जवाब नहीं दिए जाने पर कांग्रेस अरकने असेंबली ने हंगामा किया और ऐवान से वॉक आउट कर गए। बढ़ते हंगामे को देखते हुए ऐवान के सरबराह ने कांग्रेस के 10 अरकने असेंबली को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करने वाला इदारा हैंडली एंड पार्टनर्स ने ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है जिसमें फ्रांस ने पहला मकाम हासिल किया है। यानी पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस के पासपोर्ट को दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत तसव्वुर किया जा रहा है। हिंदुस्तान की बात करें तो गुज़श्ता साल के मुकाबले में एक मकाम का नुकसान उठाना पड़ा है और पासपोर्ट इंडेक्स में उसको 85वां मकाम दिया गया है। 2023 में हिंदुस्तान ने 84वीं मकाम हासिल किया था और उम्मीद की जा रही थी कि नए रैंकिंग में बेहतर देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल हिंदुस्तानी 2 ज्यादा ममालिक में बगैर वीजा के सफर कर सकते हैं। 2023 में ऐसे 60 ममालिक थे जहां हिंदुस्तानी बगैर वीजा के जा सकते थे और अब यह तादाद बढ़कर 62 हो गई है। ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन के पास दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट है। यहाँ के लोग 194 ममालिक में बगैर वीजा के सफर कर सकते हैं। इसके बाद फिनलैंड, नीदरलैंड, जनूबी कोरिया और स्वीडन का नंबर आता है। यहाँ के लोग 193 ममालिक का बगैर वीजा के सफर कर सकते हैं। इस इंडेक्स में मजमूई तौर पर 199 ममालिक के पासपोर्ट को शामिल किया गया है। अगर हिंदुस्तान की पड़ोसी ममालिक की बात की जाए तो वो पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान को 106वां मकाम हासिल है, श्रीलंका को 101वां और बांग्लादेश को 102वां और नेपाल को 103वां मकाम हासिल है। अफगानिस्तान इंडेक्स में सबसे आखिरी मकाम पर यानी 109 मकाम पर है, जहां के बाशिंदे पासपोर्ट के साथ महज 28 ममालिक में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ वादी कश्मीर की पहली बर्की ट्रेन और सिंगलदान स्टेशन से बारमोला स्टेशन तक ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया। दरियसना नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत के इस अकदाम की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये रेल सर्विस हमारे लिए बहुत अहम थी, हमारे लोगों के साथ साथ हमारे शुबे सियाहत के लिए इंतहाई ज़रूरी थी। अब वो मुल्क के दूसरे इलाकों में सफ़र कर सकते हैं और आसानी से अपना माल ले जा सकते हैं। उनका कहना था कि ये बहुत ही बड़ा कदम है, इसके लिए मैं वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ारत रेल को मुबारकबाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने पीर के रोज वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उनके इख्तदार में पसमानदा लोगों, दलितों, कबायलियों और आम जुमले के गरीबों के लिए
कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के बजट के 100 रुपये के बदले 2/3 आबादी का हिस्सा सिर्फ 6 रुपया है। इस तबके के साथ होने वाले खौफनाक नाइंसाफी मुल्क को अंदर से खोखला कर रही है, इसीलिए कांग्रेस मजबूत करने की सिमत में काम कर रही है व मुल्क 2 इनकलाबी कदम उठाने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इन तबकात के बहबूद के लिए 2 इनकलाबी इकदाम उठा रही है। उनमें पहला कदम जात पात की मर्दमशुमारी है जो मुल्क का एक्सरे होगा। दूसरा मरहला दौलत और वसाइल के नक्शा साजी है जिससे पता चलेगा कि किसके पास कितना और कितना क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि महरूम आबादी के 2/3 को मुल्क की तरक्की में शराकत दार बनाए बगैर हिंदुस्तान की खुशहाली नामुमकिन है। कांग्रेस हिंदुस्तान के मेहमानों के साथ इंसाफ करके एक मजबूत और खुशहाल हिंदुस्तान की बुनियाद रखेगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि उनके दौरे हुकूमत में पसमानदा तबकात, दलितों, कबायलियों और गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है और उन तबकात के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गारंटी का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के 12 दिन गुजर जाने के बावजूद किसी भी जमात या इत्तेहाद की तरफ से हुकूमत साजी का दावा अब तक सामने नहीं आया है। इस दौरान चीन ने पीर के रोज़ अपने करीबी दोस्त पर सियासी इत्तेहाद और समाजी इस्तेहकाम को बरकरार रखने का मुतालबा किया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान माओगिंग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक करीबी दोस्त और पड़ोसी होने के नाते चीन पाकिस्तानी आवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है। उन्होंने कहा कि बीजिंग को पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में तमाम मुतालिका सियासी जमातें इंतखाबात के बाद सियासी वहादत और समाजी इस्तेहकाम को बरकरार रखने और कौमी तरक्की के खातिर मुस्तकबिल की तश्कील के लिए मुश्तरका तौर पर मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद कोई भी सियासी जमात अपने तौर पर वफाकी हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद हासिल नहीं कर सकी है। पाकिस्तान की 264 रुकनी कौमी असम्बली में हुकूमत साजी के लिए कम अज़ कम 134 अरकान असम्बली की ज़रूरत होती है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 75 सीटें और बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी को 54 सीटें हासिल हुई है। इमरान खान की पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया गया, लेकिन उनके हिमायत वाले 95 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। PPI का दावा है कि इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली की गई, इसके लिए नुकसान उठाना पड़ा और उनके कम अज़ कम 177 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। बीजिंग माशी बहरान से 2-4 पाकिस्तान को माली इमदाद भी फराहम कर रहा है ताकि इस्लामाबाद कर्जों की अदायगी के तवाजुन और ज़रूरी गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रख सके। हिंदुस्तान ने इंग्लिश के खिलाफ राजकोट टेस्ट मैच में 434 रन से जीत लिया है। हिंदुस्तान ने इंग्लिश को जीत के लिए 557 रन का हदफ दिया था जिसके ताकुब में इंग्लिश टीम में बेबस नजर आई और चौथे दिन के आखिरी सेशन 122 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ ही रोहित ब्रिगेड ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है। टेस्ट सीरीज का चौथा मैच 23 फरवरी से रांची में खेला जाएगा। ये टेस्ट तारीख में हिंदुस्तानी टीम के सबसे बड़ी फतह है। इससे पहले इसकी सबसे बड़ी फतह दिसंबर 2021 में हुई थी जब उसने वानखेड़े टेस्ट में न्यूजीलैंड को 372 रन से शिकस्त दी थी। इंग्लिश की जानिब से दूसरे इनिंग्स में मार्क वुड ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। भारत की जानिब से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेटें हासिल की। चौथे दिन के खेल में हिंदुस्तानी टीम की शुरुआत शानदार रही। शुभम गिल और कुलदीप यादव ने मिलकर तकरीबन 1 घंटे तक इंग्लिश गेंदबाजों को परेशान किया। ऐसा लग रहा था कि गिल अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन कुलदीप यादव के साथ गलतफहमी के बाइस वो रन आउट हो गए। गिल ने 151 गेंदों पर 91 रन बनाए जिनमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। फिक्र नज़र के खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़श्ता पेशकश में यासिर अंसारी, मोहम्मद एहतशाम पुरनिया, शानजे अमीर हसन, मौलाना अब्दुलसुबहान रहमानी, शहनाज खातून, नसीम अहमद और नसरुलहुदा साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से ट्विटर यानी एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्र नज़र। शुक्रिया।